नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 266,000 टेस्ट किए गए। 21 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया, जबकि 52 जिलों में पाए गए नए केस की संख्या इकाई अंकों में है। संक्रमण दर 0.1% से भी कम स्तर पर आ चुका है, जबकि रिकवरी दर 98.5% है। वर्तमान में कुल सक्रिय केस घटकर 3,197 रह गए हैं। वहीं बात करें बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में मात्र 173 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 348 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 5,68,07,529 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि कोविड वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। आज से केजीएमयू लखनऊ में 100 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है और इसके नतीजे डेल्टा प्लस वेरिएंट की आशंका के दृष्टिगत बचाव के लिए जरूरी प्रयास करने में उपयोगी होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को टीम 9 के साथ बैठक कर रहे थे, जहां उन्होंने अफसरों के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोविड के नित नए वेरिएंट के प्रशिक्षण अध्ययन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को बढ़ाया जाना आवश्यक है। केजीएमयू की तर्ज पर वाराणसी और नोएडा के चिकित्सा संस्थानों में इस संबंध में सुविधाएं बढ़ाई जाए। वहीं आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र से भी सहयोग लेना जरूरी है। वहीं औरैया के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। दोनों पार्टियों की जीत समर्थक कंफर्म कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि किसे जीत हासिल होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पक्की करते हुए यह बताया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता युवा हैं और संघर्षशील भी हैं। भाई, हमारे 5 सदस्य तो हमारे समर्थित जीते थे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजना उनसे प्रभावित होके हमारे पास संख्या बल का पूर्ण बहुमत है, उसके आधार पर हम नामांकन करने आए हैं और 3 तारीख को हम निश्चित तौर पर भारी बहुमत से विजय हासिल तरीके से फोटो उसका जो है उसका पालन करते हैं। किस तरीके से आप लोगों की तैयारियाँ? पूरी तैयारियाँ मेरी पूरी तैयारी है। मेरे पास पहले से वोट के जीते हुए मेंबर पार्टी के 13 मेंबर हैं, मैं उसी के साथ नामांकन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला औरैया के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत ही युवा और संघर्षशील कमल दोहरे, जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व। वहीं बुलंदशहर की तहसील खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खुर्जा पुलिस मृतका की शिनाख्त करके प्रयास में जुटी हुई है और आपको बता दें कि पुलिस को शव कई दिन पुराना होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं देश में अब कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए केजीएमयू और बीएचयू में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम ने आला अधिकारियों को दिए हैं। नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी का ये कहना है कि जो भी वायरस होते हैं वो हर समय अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं। वो अपने नए रूप में कमजोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा, ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है, इस पर रिसर्च जारी है। निश्चित रूप से ये काफी शक्तिशाली स्ट्रेन है और ये काफी खतरनाक होगा। उनका कहना है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन पर इसका असर कम होगा। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने के लिए लोगों को अपनी इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना होगा।
देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वायरस जो भी होते हैं वो हर समय अपना प्रकृति बदलते रहते हैं, म्यूटेंट होता है वो, म्यूटेशन के बाद से अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं। सामान्यतः वो अपने प्रकृति नए रूप में कमजोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। जो कोरोना का वायरस का म्यूटेट अभी चल रहा है, ऐसे ही 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के लिए भी चला था कि दूसरे तीसरे म्यूटेंट में वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। कोरोना का भी वायरस ऐसे ही जो डेल्टा प्लस चल रहा है इस समय, जो अभी एक दो उसके केसेस आ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, हमारे यहाँ भी एक लखनऊ में एक कोई आया था बाहर से, वो भी शायद डेल्टा प्लस के। वही हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में हिंदू साम्राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर वर्चुअल बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। मेरठ प्रांत के संपर्क प्रमुख ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि विजय हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन हिंदू पद पातशाही की स्थापना करके सारे संसार में रणभेरी बजा दी थी। आपको बता दें कि उसी दिन वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज अभिषेक भी हुआ था, जिस दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कानपुर में धर्मांतरण के मामले में एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। धर्मांतरण के मामलों में जहां पुलिस की टीमें लगातार धर्मांतरण का शिकार हुए बच्चों के घर पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं। शहर में धर्मांतरण गैंग का शिकार बना आदित्य यानी अब्दुल खुद इस्लामिक ट्रेनर बन गया था। जानकारी मिली कि आदित्य ने अपने साथ पढ़ने वाले दो बच्चों को धर्मांतरण गैंग के इशारे पर टारगेट पर लिया था, जिसमें कानपुर के गोविंद नगर में रहने वाला तुषार सिंह नाम सामने आया है। दोनों बच्चे कई घंटे तक पार्क में बैठकर बातें करते थे। तुषार की मां ने बताया कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता था। बेटे की बात सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक गई थी। मेरा बेटा ज्योतिर्विद्या विद्यालय में पढ़ता था, वहाँ का एक बच्चा आदित्य गुप्ता है जो उसको कहता था कि आप मुसलमान बन जाओ, मुसलमान में आपको खूब अच्छा सा पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपके घर की स्थिति सही नहीं है, अगर आप मुसलमान बन जाओगे, धर्म परिवर्तन कर लोगे तो आपको वो नौकरी देंगे, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, मुस्लिम धर्म अच्छा है, यही सब उसको बताता था। व्हाट्सएप में बातें करते थे साइन लैंग्वेज में। मैंने जब इनको देखा उससे बातें करते हुए तो मैंने पूछा इनसे, तो ये बताने लग गए हमको कि वहीं बुलंदशहर में कक्षा 11 में पढ़ रही नाबालिग का एक युवक ने अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी नाबालिग को कई जगहों पर लेकर गया। इसके बाद आरोपी के चंगुल से निकलकर पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपना नाम सोनू बताया था, जिसके बाद उसे बहला फुसला कर अपने चंगुल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपी ने उसके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। आगरा में एसएसपी की सराहनीय पहल देखने को मिली है। जी हां, दरअसल खेरागढ़ इलाके में एक्सीडेंट होने पर गाड़ी से उतरकर घायलों को एसएसपी ने खुद अस्पताल में भर्ती कराया। मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायलों के एसएसपी ने मदद की। वहीं एसएसपी की इस सराहनीय पहल का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर प्रधान के देवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में परिजनों ने पूर्व प्रधान पर चुनावी रंजिश सहित कई और मामलों में गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस परिजनों की सूचना के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार चौहान ने बताया कि परिजनों की सूचना के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। थाना करहल के ग्राम बढ़ापुर का मामला है। यहाँ कल दो भाई इकरार और इकरार के बीच पक्के की जमीन को लेकर कोई मामला था, और इसमें जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा आपस में जमीन को बांट लेने के संबंध में समझौता कराया गया था, किंतु इससे पूर्व प्रधान जो राजेश पांडे हैं इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, और मौके पर जब वहाँ लोग बाग पहुँचे तो इसमें गोली लगने से
एक एटा बटालियन में 43 बटालियन में एक फोर्थ क्लास कर्मचारी है उनकी। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट पर उतर आया। इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का यह कहना है कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की है जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इतना ही नहीं, दबंगों ने युवक और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने मामले की तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नो भी सब कुछ झूठ, इस पर इन लोगों ने बार बार कब्जा करते हैं और बार बार हम जब ट्रैक्टर लेकर जाएंगे तो वापस कर देते हैं। उस रात उस दिन ट्रैक्टर लेकर के गए तो इन लोगों ने हमसे लड़ाई झगड़ा करके मतलब धक्का देते हुए ट्रैक्टर वाले को भी इन लोगों ने हटा दिया। वहाँ से मैं वापस आया तो 12 तारीख को इन लोगों ने 11 बजे रात 6-7 व्यक्ति मिलकर के रात 11 बजे। वहीं प्रतापगढ़ जिले के कोहडौर थाना इलाके में एक महिला ने खुद को आग लगा ली। आग लगाने से महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनंद फानन में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला लौली पोखता खाम गाँव का है जहाँ एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक मामले में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने किस वजह से खुद को आग लगाई है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।